च्यवनप्राश सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी खांसी जैसे संक्रमण को दूर भी रखता है। च्यवनप्राश 50 तरह के औषधीय जड़ी बूटियों और एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनता है। इनमें भरपूर ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। वही सर्दियों में च्यवनप्राश खाना सेहत को कई फायदे पहुंचाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर खाली पेट च्यवनप्राश खाना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो उसके क्या फायदे होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि खाली पेट च्यवनप्राश खाने से श्वसन मार्ग यानी कि ब्रीदिंग पाइप को ये साफ करता है, पाचन में सुधार करता है और कब्ज को भी कम करता है। ये आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। ये रक्त को शुद्ध करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर भी निकालता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काफी अच्छा है। ये सक्रियता और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मददगार है। यह संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। च्यवनप्राश 12 से 28 ग्राम की सामान्य खुराक सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करना चाहिए। सुबह 10 ग्राम यानी एक चम्मच च्यवनप्राश जरूर लें। अस्थमा या अन्य सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को इसे गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए और दूध एवं दही से बचने की सलाह दी जाती है। ये न सिर्फ आपको लगातार होने वाली सर्दी जुखाम से बचाएगा बल्कि बदलते मौसम के साथ कमजोर होती इम्यूनिटी सिस्टम को भी कंट्रोल में रखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।